Hello everyone, in this video we are going to study the questions of active and passive bias of SSC CGS Mains 2019 which is held on 16/11/2020. Before studying this video, I want to say that my name is Tushar Garg and you are watching our channel BR Law. फर्स्ट क्वेश्चन है जो भी अपने वो करेक्ट एक्टिव फॉर्म की चॉइस करनी है ऑप्शन के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई हुम वर यू पुश्ड इनटू द मड। इस क्वेश्चन में देखिए वर के साथ पुश का यूज किया गया है जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब ऑप्शन में देखिए वाज पुशिंग का यूज किया गया है, हैज पुश्ड का यूज किया गया है, पुश्ड का यूज किया गया है और डिड प्लस पुश का यूज किया गया है। अगर पैसिव वॉइस के अंदर वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है तो एक्टिव वॉइस के अंदर वर की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है जो कि अपने को ऑप्शन नंबर सी के अंदर दिया हुआ है एंड अपने को ऑप्शन नंबर डी के अंदर भी दिया हुआ है। तो ए एंड बी इसके आंसर नहीं है। इसमें देखिए जो हुम स्टार्ट हुआ है इसमें हु का स्टार्ट हुआ है। एक्टिव वॉइस के अंदर अगर हु से स्टार्ट होता है तो ही पैसिव वॉइस के अंदर बाय हुम का यूज किया जाता है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, नॉट ऑप्शन नंबर डी। Now comes to the next question. Let the socks be open. इस क्वेश्चन में देखिए let के साथ the socks का यूज किया गया है जो कि एक सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद we, फिर उसके बाद open का यूज किया गया है जो NV थर्ड है। जब भी सेंटेंस के अंदर let से स्टार्ट होता है पैसिव वॉइस के अंदर तो एक्टिव वॉइस के अंदर हमेशा ही verb से स्टार्टिंग होती है। यहाँ जो verb लिखा हो जिसका मतलब है main verb। ऑप्शन में देखेंगे आप कि इसके अंदर मेन वर्ब से स्टार्टिंग की गई है लेकिन इसके अंदर जो है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग की गई है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, नॉट ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी, क्योंकि इन दोनों के अंदर भी सब्जेक्ट से स्टार्टिंग की गई है लेकिन मैंने बताया है कि एक्टिव वॉइस में हमेशा ही वर्ब वो भी मेन वर्ब से स्टार्ट किया जाए तो ही पैसिव वॉइस के अंदर लेट से स्टार्ट होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Kites have been bought by many children. इस क्वेश्चन में देखिए have been के साथ bought का यूज किया गया है जो कि verb की थर्ड फॉर्म है और ऑप्शन में आप देखेंगे कि have bought, had bought, bought और are going का यूज किया गया है। जब भी have been bought या फिर बोल सकते हो have been के साथ verb की थर्ड फॉर्म का यूज passive voice के अंदर किया जाता है तो active voice के अंदर हमेशा ही है या have के साथ verb की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है जो कि इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए के अंदर दिया गया है लेकिन इसके अंदर तो हेड का यूज किया गया है तो बी इसका आंसर नहीं है। इसके अंदर केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है तो ये भी इसका आंसर नहीं है। इसके अंदर आप देखेंगे आर के साथ वॉइंग का यूज किया गया है तो बी इसका आंसर नहीं है। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डी कैश शुड नॉट बी ड्रॉप्ड। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो पैसिव वॉइस में दिया हुआ है। इसमें ड्रॉप जो लिखा हुआ है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब आप ऑप्शन देखोगे तो इसमें लेट स्टार्ट हुआ है। मैंने बताया है कि लेट की जब भी सेंटेंस स्टार्ट हो उसके बाद सब्जेक्ट का यूज किया जाए, फिर उसके बाद नॉट बी लिखा हो, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाए तो वो सेंटेंस हमेशा ही पैसिव वॉइस में होता है। लेकिन अपने को ऑप्शन चूज करना है वो करेक्ट एक्टिव वॉइस का चूज करना है तो ए इसका आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में देखोगे कि जो है क्वेश्चन मार्क का यूज किया गया है मतलब कि जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस है लेकिन अपने जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो असर्टिव क्वेश्चन है तो बी भी इसका आंसर नहीं होगा। इसमें आप देखेंगे डू नॉट ड्रॉप द कैच लिखा हुआ है। इसके अंदर जो है डू नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। डी कैच जो लिखा हुआ है वो भी सब्जेक्ट है। अब आप इसमें देखोगे कि यू वुड नॉट ड्रॉप द कैच, इसके अंदर जो डी कैच है वो तो सब्जेक्ट है लेकिन इसमें जो वर्ब का यूज किया गया है वो वुड का यूज किया गया है और अगर हम डबल कैश का पैसिव बनाते हैं तो डी कैश के साथ वुड का यूज किया जाएगा लेकिन क्वेश्चन के अंदर डी कैश के साथ शुड का यूज किया गया है तो डी इसका आंसर नहीं होता है इसलिए हम इसका आंसर सी रखते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओनली होम कुड इज ईटन बाय अस। इस क्वेश्चन में आप देखोगे इज के साथ ईटन का यूज किया गया है जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ऑप्शन में आप देखोगे कि आर के साथ ईटिंग लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में आर के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में देखोगे ईट का यूज किया गया है। इस क्वेश्चन में आप देखोगे हैव ईटन लिखा हुआ है। अगर आप देखोगे यहाँ पे ईट को लिखना शायद आप भूल गया होगा तो आप ईट लिख लेना लेकिन फिर भी ये इसका आंसर तो नहीं है क्योंकि जब ईट पैसिव वॉइस के अंदर इस के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है
तो याद रखिए हमेशा ही जो है एक्टिव वॉइस में वर्बी फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा, जो कि केवल ऑप्शन नंबर सी के अंदर लिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ईट जो है वो वर्बी फर्स्ट फॉर्म है। आप इसमें देख सकते हो आर के साथ ईटिंग का यूज किया गया, इसलिए इसका आंसर नहीं रहा। इसमें आर के साथ ईटिंग बोल लो या फिर केवल आर का यूज किया गया है, इसलिए इसका आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन में आप देखोगे हैव के साथ ईटन का यूज किया गया है, जो कि वर्बी थर्ड फॉर्म है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। केवल ऑप्शन नंबर सी के अंदर ही वर्बी फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया था। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वाज हिट इन द आई वाज एन एरो। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे वाज के साथ हिट का यूज किया गया है, जो कि वर्बी थर्ड फॉर्म है। ऑप्शन के अंदर आप देखोगे हिट का यूज किया गया है, इसमें आप देखोगे हैज हिट लिखा हुआ है, इसमें आप देखोगे विल हिट लिखा हुआ है, इसमें देखोगे तो वाज हिटिंग लिखा हुआ है। जब भी पैसिव वॉइस के अंदर वाज के साथ बल थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, तो एक्टिव वॉइस के अंदर हमेशा ही बल के सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, जो कि केवल ऑप्शन नंबर ए के अंदर ही दिया हुआ है। इसके अंदर एच के साथ हिट का यूज किया गया, जो कि बल की थर्ड फॉर्म है, तो बी इसका आंसर नहीं है। विल के साथ हिट का यूज किया गया, जो कि बल की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। बास के साथ हिटिंग का यूज किया गया है, जो कि एक कंटिन्यूअस फॉर्म है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू माइट बी प्रमोटेड दिस ईयर। इस क्वेश्चन में आप देखोगे माइट के साथ बी का यूज किया गया है, फिर उसके बाद प्रमोटेड जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसका यूज किया गया है। ऑप्शन में आप देखोगे शुड हैव प्रमोटेड लिखा हुआ है, इसमें माइट प्रमोट लिखा हुआ है, इसमें विल प्रमोट लिखा हुआ है, इसमें मे प्रमोट लिखा हुआ है। जब ये पैसे वॉइस के अंदर माइट के साथ बी फिर उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाए, तो एक्टिव वॉइस के अंदर हमेशा ही माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, जो कि केवल ऑप्शन नंबर बी के अंदर ही यूज किया गया है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, नॉट ए नॉट सी एंड नॉट डी। यहाँ पर मे का यूज किया गया है, ना कि माइट का, क्योंकि माइट का यूज होना चाहिए था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाज योर वेग लेफ्ट इन द वर्स। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि वाज के साथ लेफ्ट का यूज किया गया है, जो कि एक बार की थर्ड फॉर्म है, और इसमें आप देखोगे डिड के साथ लीव का यूज किया गया है, इसमें वाज के साथ लिविंग का, इसमें डिड के साथ लेफ्ट का, इसमें देखोगे तो हैव के साथ लेफ्ट का। अब आप देखोगे कि कभी भी जब पैसिव वॉइस के अंदर वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, तो एक्टिव वॉइस के अंदर हमेशा ही या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। अभी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर डिड प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखिए किस किस के अंदर है, इसके अंदर डिड है, इसके अंदर डिड है, बाकी के अंदर नहीं है, तो ये इसके अंदर नहीं है। इसमें आप देखोगे लीव लिखा हुआ है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें जो लेफ्ट लिखा हुआ है वो या तो सेकंड फॉर्म है या फिर थर्ड फॉर्म है, तो सी भी इसका आंसर नहीं है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होना है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए न्यू सॉन्ग इज बीइंग कंपोज्ड बाय हर। इसमें आप देखोगे कि इसके साथ बीइंग का यूज किया गया, फिर कंपोज लिखा हुआ है, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ऑप्शन में देखिए हैज के साथ कंपोज का यूज किया गया है, कंपोस्ट का यूज किया गया है, हैड बीन कंपोजिंग का यूज किया गया है, इज कंपोजिंग का यूज किया गया है। जब भी पैसिव वॉइस के अंदर इज के साथ बीन प्लस बाकी थर्ड फॉर्म का यूज किया जाए, तो एक्टिव वॉइस के अंदर हमेशा ही इज एम आर के साथ बाकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी का यूज किया जाता है, जो कि अपने को ऑप्शन नंबर डी के अंदर ही दिया हुआ है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, नॉट सी नॉट बी एंड नॉट ए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Your lunch box has been packed by mother. इस क्वेश्चन में आप देखेंगे हैज के साथ बीन फिर पैक का यूज किया गया है, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ऑप्शन के अंदर देखिए कि हैज के साथ पैक का यूज किया गया है, इस पैकिंग का यूज किया गया है, हैज पैक का यूज किया गया है, विल पैक का यूज किया गया है। अगर पैसिव वॉइस के अंदर हैज के साथ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाए, तो एक्टिव वॉइस के अंदर हमेशा ही हैज या हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, जो कि केवल ऑप्शन नंबर सी के अंदर ही अपने को दिया हुआ है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, नॉट डी नॉट बी एंड नॉट ए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आर मेकिंग एलाबोरेट अरेंजमेंट्स फॉर द पार्टी। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे आर के साथ मेकिंग का यूज किया गया है, जो कि बल्ब की फिफ्थ फॉर्म है। फिफ्थ फॉर्म का मतलब मैं बोलता हूं हमेशा ही बल्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का यूज होना। और आप ही देखेंगे कि यहाँ पर अपने को अब एक्टिव वॉइस ना चूज करके पैसिव वॉइस का चूज करना है।
पहले से 10 तक एक्टिव वॉइस का चूज करना था और 11 से 20 तक जो है पैसिव वॉइस का चूज करना है। अब जब भी पैसिव वॉइस में आ रही सेंटेंस दिया हुआ हो, सॉरी एक्टिव वॉइस में आ रही क्वेश्चन दिया है, अपने को ऑप्शन जो है वो पैसिव वॉइस में चूज करने हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वर बीइंग मेड, आर बीइंग मेड, आर मेड, हैव बीइंग मेड, और एक्टिव वॉइस में कभी भी आर के साथ बी फाइ या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है। तो पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा ही इज एमआर के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, जो कि अपने को केवल ऑप्शन नंबर बी के अंदर ही दिया हुआ है, आर प्लस के बीइंग प्लस के मेड, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसके अंदर वर्ब का यूज कर दिया गया तो ए इसका आंसर नहीं है। इसके अंदर तो आर तो लिखा हुआ लेकिन बीइंग का यूज नहीं किया गया तो सी भी इसका आंसर नहीं है। इसके अंदर तो हैव का यूज कर दिया गया तो ये बी इसका आंसर नहीं है। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दे आर लिफ्टिंग द कार विद ए क्रेन, ये क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अंदर आर के साथ लिफ्टिंग मतलब कि बी फाइव का यूज किया गया है, और जब भी एक्टिव वॉइस के अंदर बी फाइव का यूज किया जाए आर के साथ, याद रखिएगा हमेशा ही ये जो लिखा हुआ है वर्ब प्लस आईएनजी वो मैं यहाँ पर बी फाइव बोल रहा हूँ। तो हमेशा पैसिव वॉइस के अंदर इज एम आर के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। क्वेश्चन में देखोगे इज लिफ्टेड, हैड लिफ्टेड, इज बीइंग लिफ्टेड और वाज बीइंग लिफ्टेड का यूज किया है। इसमें केवल ऑप्शन नंबर सी के अंदर ही इज प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दैट इज लिफ्टेड का यूज किया गया है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, नॉट ए, नॉट बी एंड नॉट डी। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। बी और रिगार्ड रिजा एज एन एक्सपर्ट, इस क्वेश्चन में देखोगे रिगार्ड का यूज किया गया है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये क्वेश्चन दिया हुआ है एक्टिव फॉर्म में दिया हुआ है। इसमें आप देखोगे इज रिगार्डेड, हैज बीन रिगार्डेड, शुड बी रिगार्डेड एंड वाज रिगार्डेड। जब भी एक्टिव वर्ब के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाए तो पैसिव वर्ब के अंदर हमेशा ही इज एमआर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, जो कि और जो कि केवल ऑप्शन नंबर ए के अंदर ही दिया हुआ है। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, नॉट बी, नॉट सी एंड नॉट डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई मदर गिव मी एन इंटरेस्टिंग बुक, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे गिव जो लिखा हुआ है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है, और ऑप्शन में आप देखेंगे एम गिवन, हैज बीन गिवन, वाज गिवन एंड इज गिवन का यूज किया गया है। जब भी एक्टिव वॉइस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है तो पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा ही वाज या वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, जो कि और जो कि केवल ऑप्शन नंबर सी के अंदर ही यूज किया गया है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, नॉट बी, नॉट ए एंड नॉट डी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हैंग दी वॉशिंग ऑन द क्लॉक लाइन, इस क्वेश्चन में आप देखिए जो सेंटेंस स्टार्ट हुआ है वो मेन वर्ब से स्टार्ट हुआ है, और इसमें आप देखेंगे कि जब भी एक्टिव वॉइस के अंदर मेन वर्ब से स्टार्ट होता है तो पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा ही लेट से स्टार्ट होता है, और सारे क्वेश्चन में लेट का यूज किया गया है। एक्टिव वॉइस के अंदर दूसरा सब्जेक्ट यूज किया जाता है जो है यहाँ पर वॉशिंग मशीन, बाकी का ऑन द क्लॉक लाइन जो लिखा हुआ है वो एक कॉम्प्लीमेंट है। तो पैसिव वॉइस के अंदर उसके बाद सब्जेक्ट का यूज किया जाता है जो कि बी वॉशिंग सभी में लिखा हुआ है, उसके बाद बी का यूज किया जाता है तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी के अंदर नहीं लिखा हुआ है तो बी इसका आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए के अंदर भी आप देखोगे तो टू का यूज किया गया फिर उसके बाद बी का यूज किया गया, लेकिन टू का तो मैंने कोई बताया नहीं है तो ए भी इसका आंसर नहीं है। अब इसमें आप देखोगे हैंग लिखा हुआ है, इसमें हग लिखा हुआ है जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, दोनों ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर जिस हैंग का यूज किया गया है वो कपड़े को लटकाने के लिए किया गया है, लेकिन यहाँ पर जिस हैंग का मतलब होता है फांसी लेना, लेकिन यहाँ पर कपड़े को लटकाने की बात की गई है तो हम इस वाले हैंग का यूज करते हैं। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, नॉट ऑप्शन नंबर डी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्ष हैज अप्लाइड फॉर लीव, इस क्वेश्चन में आप देखोगे हैज के साथ अप्लाइड मतलब कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है एज के वॉइस के अंदर। ऑप्शन में आप देखिए इज अप्लाइड, वाज अप्लाइड, हैज बीन अप्लाइड और हैड बीन अप्लाइड का यूज किया गया है, लेकिन जब भी एज के वॉइस के अंदर हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है तो पैसे वॉइस के अंदर हमेशा ही हैज या हैड के साथ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, जो कि केवल ऑप्शन नंबर सी के अंदर ही दिया हुआ है, इसके अंदर हैड का यूज किया गया है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, नॉट ए, वी एंड डी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बी हैव लुक एट द प्लान केयरफुली,
इस क्वेश्चन में आप देखिए हैव के साथ लुक का यूज किया गया है जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ऑप्शन में देखेंगे इज बीन लुक, हैज बीन लुक, हैव बीन लुक और वाज लुक का यूज किया गया है। अब जब भी हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज एक्टिव वॉइस के अंदर किया जाए तो पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा ही हैव या हैव के साथ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है जो कि अपने को ऑप्शन नंबर बी के अंदर भी है और ऑप्शन नंबर सी के अंदर भी है। यहाँ पर केवल हैव या हैव का डिफरेंस है लेकिन ए और बी का इसके आंसर नहीं है क्योंकि उनके अंदर नहीं यूज किया गया है। अब यहाँ पर जो गीत प्लान लिखा हुआ है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इस कारण से हम हमेशा ही हैज का यूज करेंगे क्योंकि तो हमें हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। तो राइट आंसर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी नॉट ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर जो हैव लिखा हुआ है वो एक रूलर वर्ब है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दे विल ले द फाउंडेशन स्टोन नेक्स्ट वीक। इस क्वेश्चन में आप देखिए विल के साथ ले का यूज किया गया है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और जो सेंटेंस दिया हुआ है वो एक्टिव फॉर्म में दिया हुआ है। ऑप्शन में आप देखोगे विल बी लेड, विल हैव बीन लेड, विल बी लेइंग, इज बीइंग लेड का यूज किया गया है। जब भी एक्टिव वॉइस के अंदर विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाए तो पैसिव वॉइस के अंदर में भाई विल या शैल के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है जो कि ऑप्शन नंबर ए के अंदर दिया हुआ है विल बी लेड। इस क्वेश्चन के अंदर लिंग का यूज किया गया है, इस क्वेश्चन के अंदर हैव बीन का भी यूज किया गया है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए नॉट बी सी एंड डी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रजत सुल्ताना रूल ओवर द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन में आप देखो जो रूल लिखा हुआ है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है जो कि सेंटेंस दिया हुआ है वो एक्टिव वॉइस के अंदर है। ऑप्शन में आप देखोगे वाज बीन रूल्ड, वाज रूल्ड ओवर, इज रूल्ड एंड हैड बीन रूल्ड का यूज किया गया है। जब भी बी सेकंड मतलब कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हमें जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज एक्टिव वॉइस के अंदर किया जाता है तो पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा ही वाज या वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है जो कि अपने को ऑप्शन नंबर बी के अंदर दिया हुआ है, वाकई किसी के अंदर नहीं दिया हुआ है। इस कारण से इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है नॉट ए नॉट सी एंड नॉट डी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ही आस्क्ड मी टू सिंग ए सॉन्ग। इस क्वेश्चन में आप देखोगे जो आस्क लिखा हुआ है वर्ब के सेकंड फॉर्म के अंदर यूज किया गया है। ऑप्शन में देखोगे एम आस्क, वाज बीन आस्क, हैड बीन आस्क एंड वाज आस्क का यूज किया गया है। एक्टिव वॉइस के अंदर जब भी वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज किया जाए तो पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा ही वाज या वर्ब के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है जो कि केवल अपने को ऑप्शन नंबर डी के अंदर ही दिया हुआ है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी नॉट सी नॉट बी एंड नॉट ए। इसी के साथ ही अपने जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के क्वेश्चन थे जो कि इतने देर को आए थे सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको सीखने को मिला है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।